अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू यासम किचन एट। मैं हूँ बीहा यासिर, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज बहुत ही यूनिक चिकन रेसिपी के साथ आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार चिकन है। आप इसको चिकन को इस तरह बनाएं, इतना मज़ा आएगा आपको, इतना आपको टेस्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि वाकई चिकन को इतना हम टेस्टी बना भी सकते हैं। और इतनी डिफरेंट रेसिपी है और बिल्कुल सिंपल है और इतनी इजी है और बहुत झटपट बनेगी। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका चिकन बिल्कुल रेडी हो सकता है। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लिया, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ कुकिंग ऑयल, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सफ़ेद ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि अंटिल वो फ्रेगनेंट हो जाए, उसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और देखें, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऑयल गर्म है, और इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। 500 से 750 ग्राम इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ये 500 आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है चिकन, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी हम फ्राई करेंगे अंटिल के इसका चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो जाए, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए, बड़ी अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाए, चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छे से हमारा फ्राई हो रहा है। अब हमारी बारी है हमारे मैजिक इंग्रेडिएंट की, वो है टोमेटो पेस्ट। 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने उनका पेस्ट बना लिया ब्लेंडर में डाल के। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट है। ये आप डालें, इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा चिकन का, और कोई इसमें प्याज कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। दिस चिकन रेसिपी विल मेक्स यू क्रेजी बिकॉज ऑफ इस टेस्ट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें हमने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून, देन हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 3/4 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम इसका फ्लेम आपने थोड़ा सा हाई कर देना है, और इसको थोड़ा सा हमने इसी फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको भूनना है अपने टोमेटो पेस्ट और चिकन को अच्छे से मसालों के साथ। और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स भूनने के बाद, इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और मज़ीद उसको अच्छे से भूनेंगे हम। और आप देख सकते हैं कलर इसका निकलना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको दम दे देना है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दूँगी मैं, और 20 मिनट्स के बाद अब मैं आपको मिलूँगी। ये देखिए जी, 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सारा टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इस पॉइंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 6 से 7 दरमियान से काट के, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और उसको अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद उसको मज़ीद मैंने 30 सेकेंड्स के लिए दम पे रखूँगी, ताकि जो है हमारे ग्रीन चिलीज़ और हमने जो गरम मसाला ऐड किया उसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारे ग्रेवी और चिकन में चला जाए। और ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद दम पे रख दिया, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, और मैंने इसको अगेन उसका लिड उठाया। देखें, हमारा टमाटर गोश्त या फिर चिकन विद टोमेटोज़ या आप यासिन स्टाइल चिकन ग्रेवी आप इसको कह सकते हैं रेडी है। देखें कितना अच्छे से ये गल चुका हुआ है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी रेडी हो सकती है चिकन की। और ये देखें, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, माशाल्लाह देख सकते हैं आप किस कदर मज़ेदार, और ग्रेवी इसकी देख सकते हैं, कलर इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त, हमारा ये चिकन रेडी हुआ है और इतना मज़ेदार है और उसका टेस्ट। और अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं और आपको अर्जेंट कुछ बनाना है तो ये रेसिपी बेस्ट है, आप उनके लिए बनाएं, और आपको वाह वाह इतनी आपको एप्रिसिएशन मिलेगी कि आपकी सोच होगी। तो ये देखें जी, हमारे चिकन की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन रेडी हुआ है। झटपट 20 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है, और इसको मुझे ज़रूर ट्राई करना, मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। और ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार ये इसकी लुक है, और इसको थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ताकि आप देखें कि ये किस कदर टेंडर बना है और किस कदर इसकी यमी है। इसका टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, और वो ये तो तभी पता चलेगा इंशाल्लाह जब ये आप बनाएंगे, और इसको जो है वो मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगे कि हमारा चिकन वो ये देखें किस कदर टेंडर है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी और न्यू व्यूअर्स, अगर आप मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी रेसिपी आपसे मेरी मिस ना हो।
अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में शामिल रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।